नेपाल में अब रेस्क्यू फेज़ अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और अब रिलीफ पर ज़्यादा जोर हो रहा है, और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर हम अपनी तरफ से एक बड़े समन्वित तरीके से जितनी भी रेस्क्यू ऑपरेशंस भी रिलीफ ऑपरेशंस भी उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ रोज़ एक बैठक की जाती है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की, और इसमें विभिन्न विभाग के और एजेंसीज़ के प्रतिनिधि रहते हैं, और उसके बाद एक समन्वित तरीके से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि रिलीफ और मटेरियल और रेस्क्यू के लिए अगर जो भी आवश्यकता हो मटेरियल मैन वो हम भेज दें। तो अब उसका परिणाम ये हुआ है कि अब तक जो हमारी 16 NDRF की टीम्स वहाँ नेपाल में हैं वो करीब 1,500 व्यक्तियों को वहाँ रेस्क्यू कर पाई हैं नेपाल में, और 11 लोग तो ऐसे हैं जिनको उन्होंने मलबे में से ज़िंदा निकाला है, और 115 बॉडीज़ को भी इनको निकाला उन्होंने, वो तो एक दुखद बात है। और इसके अलावा जो रिलीफ के और भी एक काउंट करेगा कि भले से वो ड्रिंकिंग वाटर की बॉटल्स हों या RO प्लांट्स हों पानी को प्योरीफाई करने के लिए, या बेबी मिल्क या मिल्क पाउडर हो, या फिर ड्राई फूड राशन्स हों, या ब्लैंकेट्स टारपोलिंस टेंट्स या दवाइयाँ, तो ये सब चीज़ें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। परंतु हमारा एम्फेसिस इसमें यही है कि नेपालीज गवर्नमेंट जिस मटेरियल की आवश्यकता हमें कम्युनिकेट करें उस मटेरियल को भेजने में हम प्रायोरिटी दें। जो हेलीकॉप्टर्स हमने वहाँ प्रोवाइड कर रखे हैं, बल्कि 13 हेलीकॉप्टर्स तो वहीं स्टेशन हैं, और इन्होंने कई मतलब तो 200 से ज़्यादा 230 से ज़्यादा सॉर्टीज़ वहाँ करी हैं, तो उससे लाभ ये हुआ है कि ना केवल काठमांडू के आसपास परंतु दूर दराज एरिया में पोखरा और उसके बियॉन्ड वहाँ से जो लोग स्ट्रैंडेड हो गए हैं या जो मेडिकली अनफिट हैं, जो मेडिकल केसेस बन गए हैं, उनको बचाने में उनको लाने में हॉस्पिटल्स में जो फील्ड हॉस्पिटल्स भी सेटअप किए गए हैं, यहाँ से डॉक्टर्स भी गए हैं, 31 डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, तो वहाँ तक पहुँचाने में और जो उनकी जो लोकल नेपालीज गवर्नमेंट की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वहाँ तक पहुँचाने में उनको सहायता मिली है।